अरे कमल डैडी कहाँ है? ऊपर। कमल क्या हुआ है उनको? कुछ नहीं पता सर। उनको वापस छाती में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? या नहीं मैडम, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया था पर साहब ने उन्हें वापस भेज दिया। बोले उनकी तबीयत एकदम ठीक है। 2 घंटे पहले वकील साहब आए। वकील साहब? हाँ, साहब ने बोला बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने का, बहुत सारी कागजी कार्रवाई चल रही है। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं मिस्टर डिमेलो, वरना मेरी समझ में नहीं आता इस सब की क्या जरूरत है, इतनी क्या अर्जेंसी है आखिर आप ये सब? सेडन वाला, पहले आप पेपर एकदम पक्का तैयार करवा लें, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं मांगता है। एल्बर्ट, शीला तुम लोग आ गए? अच्छा, तो यही है वो नौजवान, वो कल से आपका पूरा एस्टेट और बिजनेस संभालेगा। मैं बिजनेस संभालूंगा? ये सब क्या है डैड? मैं एल्बर्ट को समझा दूंगा, 3-4 दिन वो आपके साथ रहेगा, बस अभी इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये सब क्या है डैड? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। रिलैक्स माय चाइल्ड, अभी सब कुछ बताता हूँ। शीला, एल्बर्ट, तुम दोनों इस फाइल को पढ़ो। टाइटल डीड, वसीयतनामा, जायदाद, सबका क्या मतलब है डैड? मतलब इतना ही कि मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। क्या? मिल्स, कंपनीज, फाइनेंसेस, एसेट्स, सब कुछ। कल सुबह से अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा फाइनेंस मैनेजर तुम्हें सब कुछ समझा देगा और गाइडेंस के लिए मिस्टर एडन वाला तो है ही। मगर आपको क्या हुआ है डैड? आप भी तो चला सकते हैं सब। हाँ चला सकता हूं, लेकिन लेकिन मैं कल यहां नहीं हूंगा। यहां नहीं होंगे? आप कहीं जा रहे हैं डैड? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं डैड? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बेटे, जो होना है सो तो होना ही है। अच्छा है ना मैं पहले से ही तैयार हो जाऊं? आप तो पहले हमें बात कर रहे हैं डैडी। हाँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज समझाइए ना। एल्बर्ट, तुमने कभी सोचा है मेरे जैसा फटे हाल आदमी एक साल में नोबडी से समबडी कैसे बन गया, इतना अमीर कैसे बन गया, इतना पैसा कहां से आया? हाँ वेल, सट्टेबाजी में लक ने आपका साथ दिया, आपने सोच समझ के पैसा लगाया होगा। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे और 5,000 के करोड़ों बन गए, वो भी एक साल के अंदर। स्टॉक मार्केट को जादू का खेल नहीं है बेटे, और ना ही मैं जादूगर हूं। वो बात कुछ और ही थी जिसने मेरी तकदीर ही पलट दी। बात क्या थी? ये समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ 1 साल पीछे जाना होगा। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, उधार चाहिए था मुझे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। लौटते वक्त मैं एक अलग ही रास्ते से आया जिससे मैं पहले कभी नहीं आया था। मैं चला जा रहा था कि अचानक एक दुकान से किसी ने मेरा नाम पुकारा। माइकल? किसी ने मेरा नाम पुकारा? माइकल, मुझे किसी ने बुलाया? हेलो, कोई है? मुझे किसने पुकारा था? अजीब बात है, आवाज तो मुझे यहीं से आई।
मुझे किसने पुकारा भाई? हेलो माइकल, कैन आई हेल्प यू? आपकी मदद कर सकता हूं? मैं तो ऐसे ही देख रहा था। कोई बात नहीं, लगता है आपको वो क्रिस्टल बॉल बहुत पसंद आया। हाँ ये अच्छा है। फिर तो ये क्रिस्टल बॉल आपका ही हो गया। आई एम सॉरी, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है और मैं तो इस दुकान में घुसता भी नहीं, पर मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा है। और जैसे मैं दुकान में आया तो कोई भी नहीं था। आपको सुनने में अजीब लग रहा है ना? चौंकी है मत, इस तरह की अजीबोगरीब चीज दुनिया में बहुत होती है। पर ये करता क्या है? इसका कोई इस्तेमाल तो होगा। सुना जाता है इस क्रिस्टल बॉल को दाहिने हाथ में रखकर आसमान की तरफ उठाकर कुछ भी मांगे, कुछ भी, तो वो विश, वो इच्छा पूरी हो जाती है। कोई सी भी विश, कोई सी भी इच्छा, बस विश एक ही होनी चाहिए, एक ही विश। अगर ये सचमुच विश पूरा कर सकता है तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप खुद भी तो विश मांग सकते हैं। इस दुकान को बेचकर आप आराम से गुजारा कर सकते हैं। मैं छोटे मंसूबों वाला आदमी हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, इसलिए फिर से कहता हूं, आपको ये पसंद है इसे आप फ्री में ले जाइए, पर मेरी एक वार्निंग है। कैसी वार्निंग? इसके जरिए आपकी मनचाही चीज मिल तो जाएगी, पर मिलने पर शायद आपको लगे कि मांगी ही ना होती तो अच्छा होता। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, मेरा फर्ज था आपको वार्न कर दिया। जाइए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कॉल ब्रोकर्स? हाँ कॉल, मैं माइकल बोल रहा हूं। चॉइस फर्टिलाइजर शेयर की क्या पोजीशन है? क्या? ओह माय गॉड, कोई वैल्यू नहीं रही? और मेरे स्वास्थ्य के शेयर बेचे कि नहीं? कोई खरीदार नहीं है, वैल्यू गिर रही है। सब कुछ बर्बाद हो गया, क्या करूं मैं? मैं तो कहीं का नहीं रहा। माइकल, इसे दाहिने हाथ में लो, आसमान की तरफ उठाकर कुछ भी मांगो, जो मांगोगे मिल जाएगा, मगर सिर्फ एक बार। मैं सिर्फ एक बार मांग सकता हूं, सिर्फ एक बार। क्या मांगू मैं, क्या मांगू? अगर मुझे आज ही आने वाले कल के शेयर के भाव पता चल जाएं, तो मैं अमीर हो सकता हूं। यस, I could be rich, I could be rich. मैं यही मांगता हूं। मैं फ्यूचर जानना चाहता हूं। आने वाले कल में जो भी होने वाला है उसे मैं आज जानना चाहता हूं। यही मेरी विश है, यही मेरी ये सुबह सुबह कौन आ गया दिमाग खाने को? यस प्लीज, क्या चाहिए? सुना है आपको नया अखबार वाला चाहिए। हाँ, दो तीन दिन से मेरा पुराना अखबार वाला नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पता लगाने वाले पता लगा ही लेते हैं सर। मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है?
कहाँ देखा है? जाने भी दीजिए सर, गुठलियां मत गिनिए, आम खाइए आम। ये रहा आपका पेपर, आपका। कल से रोज ले आया करूंगा सर आपका अखबार। आम खाइए सर, आम आम। कमाल है, इंडिया विंस वन डे मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट बेंगलोर। व्हाट नॉनसेंस, मैच तो आज खेले जाने वाला है, कब का पेपर है ये? 27 मई 1995। लेकिन आज तो 26 में है, यानी आने वाले कल का पेपर मुझे आज मिल गया। वो अखबार वाला, वो अखबार वाला, पेपर वाला, पेपर वाला, पेपर वाला, सुनो सुनो सुनो, तुमने अभी भी किसी पेपर वाले को देखा है? आपका पेपर वाला तो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है साहब। नहीं नहीं नहीं, एक बूढ़ा सा पतला दुबला आदमी, उसका कुबड़ निकला हुआ है। ऐसा पेपर वाला तो आज तक नहीं देखा साहब, तो आज कहां से देखता। जरा ये अपना पेपर दिखाओ। हाँ लीजिए साहब। 26 मई 1995, इंडिया टू प्ले साउथ अफ्रीका एट बेंगलोर। हाँ बड़ा जोरदार मैच होगा साहब। इंडिया विंस वन डे मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट बेंगलोर। क्या 27 मई 1996, उसने मुझे आने वाले कल का पेपर दे दिया। क्या आपको आने वाले कल का पेपर दे दिया? वाह साहब वाह, आप भी खूब बोलते हैं, आने वाले कल का पेपर। तो पढ़िए, खूब मजे मजे लेके पढ़िए आने वाले कल का पेपर, आने वाले कल का पेपर, मजे लेके पढ़िए साहब। अब तो आपकी इच्छा पूरी हो गई। मेरी विश पूरी हो गई? क्या सचमुच मेरी विश पूरी हो गई? क्या ये क्रिस्टल बॉल का कमाल है? मार्केट शेयर का पेज नंबर है 18। मैग्नेटिक इंजीनियरिंग अनाउंसेस सडन मर्जर विद फॉरेन कंपनी, शेयर प्राइसेस शूट अप 4 times देयर प्रीवियस वैल्यू। 4 times कीमत बढ़ गई, 4 times। ओह माय गॉड, हेलो कॉल ब्रोकर्स। हाँ कॉल, मैं माइकल। मेरे कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 4,120। और मेरे जितने भी शेयर पड़े हैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बेच दो, तो सब मिला के 5,000 तो हो जाएंगे ना? हाँ, तो उन सब का तुम मैग्नेटिक इंजीनियर कंपनी के शेयर खरीद लो। क्या मैं पागल हूँ? नहीं कॉल, मैं पागल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैग्नेटिक इंजीनियरिंग के शेयर बहुत चीप मिल रहे हैं। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल एकदम सब खरीद लो। हाँ हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जितने भी शेयर मिले मैग्नेटिक इंजीनियर के खरीद लो। कल पता चल जाएगा कि मैं पागल हूं जैसा कॉल कह रहा है, या फिर ये अखबार सच कह रहा है। और फिर अगले दिन क्या हुआ? न्यूज़पेपर एकदम सही निकला, मैंने रातों रात 23,000 रुपये कमा लिए, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि मैग्नेटिक्स का फॉरेन टाई अप होने वाला है, जो मुझे न्यूज़पेपर ने बताया था। अगले दिन भी वही न्यूज़पेपर आया था या? उस दिन के बाद हर रोज सुबह मुझे आने वाले कल की खबर मिल जाती, स्टॉक मार्केट के भाव क्या होंगे, रेस कोर्स में कौन सा घोड़ा जीतेगा, और भी मुझे जो कुछ जानना होता मुझे न्यूज़पेपर से पता चल जाता। इस तरह मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता गया, हर हफ्ते मैं रेस कोर्स जाता और हजारों रुपया उन घोड़ों पर लगाता जो घोड़े मैं जानता था कि वो जीतेंगे, और वो जीतते। इस तरह एक साल के अंदर अंदर मेरे 5,000 रुपये करोड़ों में बदल गए। और वो बूढ़ा न्यूज़पेपर वाला, उससे आपने कभी बात की? नहीं, फिर वो आदमी कभी नहीं मिला। मैं कई रात जागता रहा कि न्यूज़पेपर की आवाज़ आए तो मैं झट से दरवाज़ा खोलकर उसे पकड़ूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता वहाँ सिर्फ न्यूज़पेपर मिलता और कोई नहीं। फिर मैंने सोचा छोड़ो भी,
क्यों इस झंझट में पढ़ूं कि वो आदमी कौन है, ये सब कैसे हो रहा है? जो भी हो रहा है उसी का फायदा उठाऊं। ठीक है डैड, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन अचानक आप सबको छोड़ना क्यों चाहते हैं? पूरे साल भर मैं अपनी तिजोरी भरता रहा एक विश की वजह से। वो इच्छा किसने पूरी की, किन शक्तियों ने उसे साकार किया, मैंने इसकी परवाह कभी नहीं की। लेकिन आज क्या हुआ? आज आज ये आया है, आज पढ़ो। Oh my God! This has tomorrow's date. ये तो कल की तारीख का अखबार है। आने वाली कल की। हाँ? नीचे का कॉलम पढ़ो। लेफ्ट हैंड। इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर माइकल डिमेलो डाइज इन अ फ्रीक एक्सीडेंट। ये तो आपकी मौत की खबर है। ये कैसे हो सकता है? Oh my God! अब समझे मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? सुबह होने से पहले ही कोई घड़ी आएगी जब मैं मर जाऊंगा। मैं होनी को नहीं रोक सकता, मैं नहीं जानता होनी को कैसे रोकूं। एक मिनट, एक मिनट, शायद इसमें लिखा हो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मौत कैसे हुई, पता चल जाए तो हम मौत को रोक सकते हैं। नहीं, मैंने पूरा पेपर छान मारा है, मुझे कुछ नहीं मिला। ये नहीं हो सकता डैड। यही होना है, इस अखबार में जो भी लिखा होता है हमेशा सच निकला है। तो शायद डैड आप इसे किसी और तरीके से रोक सकते हैं डैड, प्लीज। कैसे? हाँ डैड, वो आदमी जिसने आपको वो क्रिस्टल बॉल दिया था, वो शॉपकीपर डैड, वो कहाँ मिलेगा डैड, वो कहाँ मिलेगा? वो अपनी दुकान में होगा, लेकिन उससे फायदा? हाँ तो चलिए ना वहां पर, शायद वो कुछ कर सके, हमें उसे मिलना चाहिए, शायद वो हमें ये बता सके हमें क्या करना चाहिए। एल्बर्ट बेटे रुको, यही थी वो दुकान, ठीक यही, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। डैड यहाँ कैसे हो सकती दुकान? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। आपको याद है रास्ता यही था? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ से 5-7 बिल्डिंग छोड़ के ही तो मेरे दोस्त का घर था। मैंने तुम्हें बताया था ना मैं उसका घर गया था, और फिर वापसी में मुझे यही दुकान नजर आई जहाँ से मुझे आवाज आई। डैड दुकान गायब तो नहीं हो सकती, शायद कहीं आगे होगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यही थी, बिल्कुल यही। आई एम वेरी श्योर, वेरी सर्टेन, आई टेल यू। क्या ढूंढ रहे हैं आप? चौकीदार, यहाँ एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, उसका मालिक पुरानी सजावट की चीजें बेचा करता था। उसका हुलिया बड़ा अजीब था, लंबे लंबे सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, काले रंग का चोगा पहनता था। उसे अगर एक बार देख ले तो कोई भूल नहीं सकता उसे। मगर इस तरह की तो कोई दुकान यहाँ पे थी नहीं, लगता है आप गलत पते पर आ गए। ये एक वाइन शॉप है और दूसरी ये वीडियो शॉप है, इसके अलावा तो कोई दुकान ही नहीं। नहीं नहीं थी, I'm very sure. डैड, इन दोनों दुकानों के बीच तीसरी दुकान आने की गुंजाइश ही नहीं, कैसी हो सकती तीसरी दुकान यहाँ? नहीं नहीं यहाँ थी, पिछले साल की तो बात है। आप जरूर गलत पते पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर मैं 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ और यहाँ एक वाइन शॉप और दूसरी टीवी शॉप के अलावा कोई दुकान थी ही नहीं। चाहे तो आप इन भिखारियों से पूछ सकते हैं। इस भिखारी से पूछ ले, इस भिखारी से क्या पूछना है, चलो बेटे। से नहीं पूछेगा ये मेलो, तेरी इच्छा अब पूरी हो जाएगी। एल्बर्ट बेटे मुझसे एक वायदा करो। हाँ कहिए डैड। नहीं नहीं, पहले तुम वायदा करो कि तुम करोगे। मैं वादा करता हूँ, आप कहिए तो डैड। आज रात या कल सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है मैं नहीं जानता हूँ बेटे, पर तुम उस क्रिस्टल बॉल को जरूर ढूंढना, चाहे पूरा घर ही क्यों ना लौटना पड़ जाए। और अगर वो मिल जाए तो उसे फौरन डिस्ट्रॉय कर देना, उसका साया भी किसी पर नहीं पड़ना चाहिए। वो ईवल है, ईवल अभिशाप। हाँ डैड, मैं उसे ढूंढूंगा और डिस्ट्रॉय भी कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन डैड आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगा डैड। एल्बर्ट डैड, शीला
मैं सोने जा रहा हूं। जो भी होता है तुम अपना ध्यान रखना बेटे। आपको कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं होगा, मैं रात पर यही रहूंगा। God bless you. God bless you, my children. God bless you. शीला, कमल से कह दो कि डैडी के रूम के बाहर एक कुर्सी रख दे, मैं रात भर बैठकर उनकी पहरेदारी करूंगा। ये आवाज कैसी है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.